सारा खेल इंटेंशंस का है। तो मैं एक और आपको एग्जांपल दे करके और उसके बाद में आई जस्ट समिट अप। अभी आप लोग इमेजिन करो, यहां पर एक इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। अब बात करते हैं सुख दुख की, कि ये सुख दुख कैसे होता है। इंडिया पाकिस्तान का यहां पर मैच चल रहा है और आप लोग देख रहे हो। अब इसमें तीन तरह के लोग हैं, ऑडियंस में तीन तरह के लोग हैं। एक है जिनकी देखने की इंटेंशन यह है कि इंडिया जीतनी चाहिए, एक है जिनका देखने की इंटेंशन यह है कि इंडिया हारनी चाहिए, मतलब कि पाकिस्तान जीतना चाहिए, और तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिनके लिए हार जीत एक जैसी है, वो सिर्फ खेल को एंजॉय कर रहे हैं। कर्म तीनों कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कौन से कर्म बांधते हैं और कौन से कर्म आजादी की तरफ ले जाते हैं। एक है आप बंद रहे हो, एक है आप आजाद हो रहे हो, एक है आप डर रहे हो, एक है आप फियरलेस हो रहे हो। तब खेल क्या है? यहां पर तीन तरह के लोग हैं ऑडियंस में। एक है जिसने इंडिया के ऊपर दाव लगाया हुआ है, एक है जिसने पाकिस्तान पे दाव लगाया हुआ है, एक है सिर्फ खेल को एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर इंडिया जीता तो जिसने इंडिया के ऊपर दाव लगाया था, जिसकी इंटेंशन यह थी कि इंडिया जीतनी चाहिए, वो खुश होगा या परेशान होगा? खुश होगा। और जिसने दाव लगाया था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जीतनी चाहिए और पाकिस्तान हार गया, तो वो खुश होगा या उदास होगा? उदास होगा, दुखी होगा। तो ये सुख दुख क्या भगवान की वजह से हो रहे हैं, किस्मत की वजह से हो रहे हैं, किसी मिस्टीरियस लॉ ऑफ कर्मा की वजह से हो रहे हैं, या आपके जो खुद के डिजायर्स हैं, आपकी खुद की इंटेंशंस हैं, आपके खुद के अटैचमेंट्स हैं, जिस आउटकम से आप अटैच हुए पड़े हो उसकी वजह से हो रहे हैं? सोचो कि आपको जो सुख मिला, जो दुख मिला, उसकी जड़ क्या थी? सिचुएशन नहीं थी। लोग उठा करके ब्लेम डाल देते सिचुएशन पे, इंडिया हारी इसलिए मैं परेशान हुआ, जबकि जड़ ये नहीं थी। जड़ ये होती तो सबके लिए एक जैसी होती। जैसे कि एक साइंस है कि आग में जाओगे तो जलोगे, तो वो लॉ सबके लिए एक जैसा है, अलग अलग नहीं है। तो हुआ क्या कि ये जिसने भी अपने ये डिजायर्स बनाए, ये अटैचमेंट बनाई आउटकम के साथ में, वो बंधन में है, वो दुखी। और तीसरी कैटेगरी इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में क्या कैटेगरी है? खेल। कि अगर आप बैठ करके आराम से खेल को एंजॉय कर रहे हो, ये समझ रहे हो कि भैया इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई नहीं हो रही है, कोई जंग नहीं है, बल्कि जंग ना हो इसलिए खेल हो रहा है। खेल है, खेल है, और आप बैठ करके उस खेल को एंजॉय कर रहे हो, मजे से देख रहे हो, कोई भी जीते कोई भी हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मुक्त, तो आप कर्मों के बंधन से मुक्त। जब भी आप आउटकम से अटैच हुए तो आप दुखी हो रहे हो, किसी और की वजह से नहीं, खुद उस आउटकम से अटैच होने की वजह से जो आउटकम आपको चाहिए। तो अगर वो आउटकम आपको नहीं मिला तो आपके दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है, वो आपकी है।